ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समन्वय समिति के प्रांतीय आवाहन पर सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन कलमबंद कार्य बहिष्कार चल रहा है। समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार विश्व ने बताया कि 7 जून को विकास भवन में सभी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी एकत्रित होकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सूत्रीय मांगों का निराकरण कराए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया आगे की रणनीति प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार तय की जाएगी। शासन से केवल 3 सूत्रीय मांग है। एक तो जो हमारी कार्य को देखते हुए, जो कार्यों की अधिकता को देखते हुए हमने जो मांग की है कि हमारी शिक्षा बढ़ाई जाए, जो बेसिक शिक्षा इंटरमीडिएट है उसको स्नातक कर दिया जाए और CCC का जो डिप्लोमा कंप्यूटर का है वो ओ लेवल का कर दिया जाए। और दूसरा है कि हमारा 2000 से जो वेतन बैंड है वो 2800 कर दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग है केवल कि जब अगर हमको पदोन्नत दी जाए समय पर, अगर पदोन्नत न दी जा सके तो पदोन्नत वेतन मान हम लोगों को 10, 16 और 26 वर्ष पे दिया जाए। केवल 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के श्री रजनीकांत त्रिवेदी जी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री गंगेश कुमार शुक्ल जी इको गार्डन लखनऊ में आमरण अनशन पर हैं, जिनके समर्थन में और अपने मांगों के समर्थन में हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रसारित की जाएगी या उसके आधार पर करेंगे। जय हिंद, जय सत्य।